नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस ने आगामी नवरात्रि पर्व और दशहरे को लेकर मोहन नगर थाने में बुलाई शांति समिति की बैठक। समिति के सदस्यों को उच्च न्यायालय की गाइडलाइन से कराया अवगत। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद सुनाई देने लगे हैं असंतोष के सुर। दंतेवाड़ा की पूर्व भाजपा विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की पुत्री ने भाजपा पर लगाया पिता के बलिदान का अपमान करने का आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संकल्प शिविर में शामिल होने पहुंचे डोंगरगढ़। शिविर में मौजूद कांग्रेसी पदाधिकारियों को दिलाई पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों के पक्ष में काम करने की शपथ। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस विधानसभावार संकल्प शिविर आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संकल्प शिविर में मौजूद कांग्रेसी पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करने की शपथ दिलाई और संकल्प शिविर को संबोधित किया। सब साथी मन है हमार ब्लॉक के जोन के सेक्टर के बूथ के सब अध्यक्ष मन आए हैं। युवक कांग्रेस सैनिक सिवाई सेवा दल महिला कांग्रेस के सब साथी मन उपस्थित है। चुनाव के बिगुल फूक चुके हैं। पिछले साल पिछले चुनाव में 6 अक्टूबर के आचार संहिता लगी, इस साल 9 अक्टूबर के लगी। पिछले साल पिछले चुनाव में 11 को 12 का मतदान हुए, 11 का मतदान हुए से एक 7 के मतदान, मतलब ये है कि समय हमला काम मिले हैं और कम समय में ज्यादा काम करना है। तो अभी कार्यकर्ता मन के जोश है, उत्साह है, पूरा प्रदेश में देखे हमल मिला। 15 साल के नाकामी रमन सिंह यही जिला के किसान मन की स्थिति कारी से, मजदूर मन की स्थिति कारी से एकर बारे में बताया की जरूरत नहीं है। कबू राशन घोटाला हो थे, कबू राशन कार्ड जेकर कर हावे जिला सरकार पुराना हो बैठे सब एक ठक दिखक जा। तो राशन कार्ड जेकर कर रहा है तेकर कर 5-5 ठक रहा है, जेकर कर जिन जरूरतमंद है तेकर कर एको ठक। धान ये डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माई सामने कह रही थी हर साल बोनस दू, 300 रुपया दू हर साल दू, और चुनाव साल में बोनस और तान 3 साल कोनस। आज फिर बयान आया है रमन सिंह के 2 साल के बोनस नहीं देने तेन गलती हो इसका। चुनाव के समय किसान के सुरता थे ओकर पहली सुरता उरता नहीं आए। हाँ वो तो वैसे है ना, आजकल कहे जाते कि रमन सिंह के नहीं चला है ना, वो केस के मैं छोटे चेहरा हूं तो पूरे देशवरी के ये छोटे चेहरा तक नहीं है, लेकिन जब टिकिस बटिस ना भी रमन सिंह के चले सब दूसरा के चलवे नहीं करी तो पता करें कैसे। तो रमन सिंह के अधिकारी रिस अमन सिंह सब जाना था अमन सिंह, और अमन सिंह आजकल अडानी के यहां काम कर रहा था, और अडानी थे हमर बड़े साहब के विश्व गुरु के ऊपर पक्का आदमी, सबके बात टल गई फिर वो कभी टल आई। रमन सिंह कैसे जुगाड़ जमा है, तो चलना रमन सिंह के और रमन सिंह ऐस तो समझ ले गरीब लोग 35 किलो चाउर तो नहीं मिले, वो फिर 5 किलो माजे
रमन सिंह के कहूं आगे धोखा से आयक सम्मानत नहीं है, नहीं है ना। फिर 10 क्विंटल धान बेचू, 20 क्विंटल नहीं बेच पाओ, 20 क्विंटल बेचना है ना। माई लोग इन्होंने हाथ नहीं उठावा थे, पैसा तूरिच कर जाए, ये मन कब को कुदत रहा है ना, कैसे कम ले सर, कैसे रजवान कत को तुम बैंक ले निकाल निकाल के लाओ पैसा काकर कर जाए भौजिच कर, हाथ ले नहीं उठावा माई लोग 20 क्विंटल हमार सरकार और रमन सिंह जी से 10 क्विंटल बोनस चुनाव साल में। हम तो कोरोना हुई न कोरोना, दुनिया में व्यापार व्यवसाय ठप, हमारे छत्तीसगढ़ में खदान बंद, दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, सब बंद। ओकर बाद भी राहुल गांधी जी तुम्हारे से वादा कर रही से हमारे सरकार आई 2500 रुपए में धान खरीदबो, लेकिन वो वादा पूरा करें। कोरोना काल में भी हमारे सरकार किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ खड़े रही से। 4 किस्त दे पैसा लेकिन किसान लग पैसा दे में और बेरा बेरा में दे, जब जब तब दे। और ये वक्त तो ऐसे है कि चुनाव आगे 1 नवंबर के देवी है रहे, हम जाना तो रहना चार सी तक लगी, हम 28 सितंबर के दे देंगे। खड़गे साहब है के बटन चपक साहब साहब की किसान के खाता में जाना चाहिए पैसा 1 नवंबर की पहली होगी, नहीं सर किसान के खाता में पैसा। अब ओकर बाद भी कहा थे नकटक नाक कटे सवा हाथ बाढ़े, धान लहमन खरीद था तौलिक व्यवस्था हमन कर रहा था, फल के व्यवस्था हमन कर रहा था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हमन कर रहा था, ओकर बाद धान के पैसा किसान के खातन डाले काम हमन कर रहा था, किसान ल पैसा देबर बैंक से हजारों करोड़ के लोन हमन ले था राज्य सरकार। ओकर बाद थे मित्रों आजकल परिवार जनों के, मेरे परिवार जनों धान मैं खरीदता हूं तो बटन लोहे चपक देते थे आ जाती ते खरीदते, तो फिर ये बता 10 क्विंटल काबर कर रही जी, अब बोनस का काबर बंद कर रही जी, ते खरीद था वही समय नहीं कर देते डबल इंजन की सरकार रही से। तो ओट लेबर पता नहीं मन कक्का झूठ बोली कक्का लबारी मारी, कोई ठिकाना नहीं है करमन, झूठ बोलो 1 बार बोलो 10 बार बोलो 100 बार बोलो, जब तक के आदमी विश्वास कर, 100 बार बोल गए तो विश्वास कर ही ली, 1000 बार बोलो लाज नहीं आवा। अरे प्रधानमंत्री जैसे पद में हफ्ते में कम से कम झूठ झूठ मूठ ठीक नहीं मैं बने भाई। हमन धान ल खरीदते हमन चौर मनाथन के लोग खरीदते, जब मन लगते खरीदते जब मन लगे तब भी खरीदते। अभी हमारा 86 लाख की अनुमति दी थी 61 लाख कर काबर कर दी थी 61 लाख धान, तो इस साल पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे, 90 साल 130 लाख मीट्रिक टन खरीदो, जब अतिक धान खरीदो चौर बनी तो 86 लाख मीट्रिक टन करे, अभी क्या आदेश आगे 66 लाख 61 लाख। अब बासी धान दिन का करे राज्य सरकार के ना 2019-20 में धान लमी चाउर हमारे नहीं खरीदी, नहीं खरीदी नीलामी कर दे 1300-1400 रुपए क्विंटल में नीलामी कर रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने, मैं कह राज्य सरकार घाटा सही किसान की घाटा नहीं। मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता व भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। आप क्रिया खाट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद किया है। आज छत्तीसगढ़ में घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का ATM बना दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के MSP का पूरा पैसा केंद्र की मोदी सरकार देती है, लेकिन भूपेश सरकार कुछ पैसे देकर सिर्फ क्रेडिट चोरी करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ की जनता का सपना साकार करेगी। भाजपा ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं को सुरक्षा व किसानों को समृद्ध बनाने का काम करेगी। हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, माताओं बहनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ के हरेक व्यक्ति के सपनों को साकार करने वाली सरकार हो, छत्तीसगढ़ के गांव शहरों का सुव्यवस्थित विकास करने वाली सरकार बने, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनके सपने साकार करने का समान अवसर मिले, उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, लोग खुशहाली से जी सके, लोग चैन से जी सके, ये तमाम आपके मुद्दे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। आज धान की सुव्यवस्थित खरीदी की जो व्यवस्था बनी है उसे बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पर आज किसान को जो कीमत मिल रही है कांग्रेस की सरकार कितना देती है? कुल 600 रुपए प्रति क्विंटल, 2200 रुपए प्रति क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, और 600 रुपए देकर आप कितना लूट रहे हैं किसानों को? मैं हिसाब बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने रकबे काटे किसानों के, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, अरे भाई मेढ़ के एरिया को काटा आपने रकबे को। बिना मेढ़ के खेत हो सकता है? बिना मेढ़ के धान की खेती हो सकती है? मेढ़ के नाम पर रकबे काटे, आज तक बारदाने का पैसा नहीं मिला किसानों को, बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी ये सरकार। फिर किस्तों में पैसा दिया आप, चौथे किस्त में कटौती की, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, किसानों को महंगी कीमत पर फर्टिलाइजर खरीदने पर मजबूर किया, फिर आपने 4.5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, पैसा जमा करके किसान इंतजार करते रहे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगा है, धोखा दिया है, और इसलिए दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के बहकावे में, भुलावे में, उनके दावों पे नहीं आने वाली है, उनके वादों पर नहीं आने वाली है। कमल का बटन दबाएंगे छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी। देखिए 4.5 साल में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है,
प्रमाणतरण का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, विकास अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। फिर से सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने और धोखा देने के लिए ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। गांव गरीब किसान के साथ अन्याय किया इन्होंने, 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार किया, पीएससी का घोटाला, लगातार घोटाले दर घोटाले करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों से खिलवाड़ करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर बगावती तेवर देखने को मिले हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी दावेदारी कर रही थी, लेकिन उनका टिकट काट कर चैतराम को दे दिया गया। इससे नाराज पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने इंटरनेट मीडिया पर भड़ास निकाली है। दीपा मंडावी ने इंटरनेट मीडिया में जारी किए गए वीडियो में कहा कि मेरे पिता भाजपा के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। पिता की मौत के बाद मां ओजस्वी पार्टी में निरंतर सक्रिय रही, बावजूद इसके पार्टी ने टिकट न देकर पिता के बलिदानी का अपमान किया है। नमस्कार, मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट ना देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, फिर भी हमारी मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगह ली। उसी सिद्धत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी, हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ। मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने नवरात्रि व दशहरे पर्व को लेकर मोहन नगर थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई और चर्चा की। दुर्ग शहर में आने वाले त्योहार को देखते हुए नवरात्रि पर्व दशहरे की तैयारी को लेकर दुर्ग मोहन नगर थाने के अंतर्गत आने वाली शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसके अंतर्गत मोहन नगर में जितनी समितियां आती है उनसे चर्चा की गई। दुर्ग पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार इन समितियों की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन से अवगत कराया गया, जिसमें इन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्र की तीव्रता के साथ ही धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तार के यंत्र के उपयोग की अनुमति न्यायालय से लेने की जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में यातायात की सुचारू रूप से व्यवस्था करें ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की नुकसान ना हो, साथ ही अप्रिय घटना ना हो। इस संबंध में थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। आज थाना मोहन नगर में जो वर्तमान में जो आने वाली नवरात्र का पर्व है और साथ ही दशहरे का पर्व है, उस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुई है उसी को शांति समिति की बैठक लेकर थाना क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी समितियाँ हैं उनकी बैठक आहूत की गई थी। उस संबंध में जो नवरात्र का आयोजन है उसमें जो ध्वनि विस्तार के यंत्रों का जो उपयोग होता है, उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का जो गाइडलाइन है उस संबंध में उनसे अवगत कराया गया ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर। साथ ही जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है धार्मिक कार्यक्रम, उसमें भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का जो प्रयोग है उस संबंध में माननीय जो न्यायालय है जेएम न्यायालय वगैरह वहाँ से अनुमति प्राप्त करने हेतु हिदायत दिया गया है। साथ ही जो और अन्य कार्यक्रम आयोजित की जाती है उसमें यातायात व्यवस्था को का संचालन है सुचारू रूप से रखने
उन्हें अवगत कराया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसी न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर,
जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एसके अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन की सुविधाओं के साथ। सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
निगम क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद आयुक्त रोहित व्यास ने निगम मुख्यालय सुपेला सहित जोन कार्यालय सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसी द्वारा यूनिपोल में लगाए गए राजनैतिक प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए आचार संहिता के तहत संपत्ति विरूपण को सख्ती से पालन कराने भिलाई निगम का अमला पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। राजस्व विभाग, तोड़फोड़ दस्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की टीम अलग अलग नेताओं की फोटो, लगे हुए बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि को निकलवाने का कार्य कर रही है। साथ ही दीवार पर प्रचार प्रसार के लिए किए गए दीवार लेखन को भी मिटाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में चल रही गतिविधियों का निगम आयुक्त ने सोमवार को देर शाम निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त निगम मुख्यालय के सभी विभागों में पहुंचे और शासकीय कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, शासकीय योजनाओं की प्रचार सामग्री जहाँ भी पाई गई तत्काल मौके से हटवाया। इसके पश्चात निगम आयुक्त सभी जोन कार्यालय पहुँचे और जोन आयुक्तों, अभियंताओं के कक्ष, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग सहित पूरे जोन परिसर का निरीक्षण करते हुए आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। निगम क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, दीवार लेखन सहित संपत्ति विरूपण की कार्रवाई का निरीक्षण करने देर शाम तक आयुक्त रोहित व्यास घूमते रहे। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। 9 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में भी विधानसभा निर्वाचन का आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है, जिसको लगातार निगम की टीम पूरे शहर में घूम घूम कर राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, फोटो आदि को हटा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी कर रहे हैं और इसी को मौके पर जांचने के लिए वे निकले थे और उन्होंने सर्वप्रथम निगम के मुख्य कार्यालय के सभी विभागों को घूमकर टेबल में देखा कि कोई शासकीय कैलेंडर, योजनाओं के कैलेंडर वगैरह तो नहीं है। साथ ही सभी जोन कार्यालय में और पूरे शहर में घूम घूम कर उन्होंने देखा कि संपत्ति विरूपण की कार्यवाही लगातार की जा रही है, नहीं की जा रही है। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त के साथ अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, धीरज साहू, मलकान सोरी, जगदीश तिवारी भी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई सुपर लीग का भव्य आयोजन हुडको में नव निर्मित स्टेडियम में किया गया। भिलाई सुपर लीग के तीसरे सीजन में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया व क्रिकेट खेल में अपना जौहर दिखाया। हुडको के नव निर्मित स्टेडियम में 3 दिनों तक चले इस सुपर लीग के समापन अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बताना चाहेंगे, इमाम खान जो कि सुपर लीग के आयोजक हैं, उन्होंने खेल व खेल को बढ़ावा देना ही इस भिलाई सुपर लीग का मकसद बताया। समापन अवसर पर फाइनल में विजयी रही टीम व रनर अप टीम को पुरस्कृत भी किया गया। नगद राशि व मेडल साथ ही शील्ड देकर यहां पर विजय टीम व रनर अप टीम को सम्मानित किया गया। एक अच्छा प्रदर्शन आरएसएस स्पोर्टिंग टीम का, निश्चित तौर पर इस खेल में जो मजा आया है आरएसएस स्पोर्टिंग की तरफ से, और आज इन्हें मैं बाजीगर का खिताब देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रदर्शन जो इस रोमांचक मुकाबले को तालियां बजनी चाहिए भैया के लिए। भैया यहाँ पर अपना कीमती समय जो दिए हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ कंपनसेशन प्लान हो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। एक क्रिकेट मैच रख लो, कल परसों में जब भी हम आएंगे आपके साथ खेलने, कहीं पे भी रख लो, आपकी टीम के साथ यहीं पे खेलेंगे, यही पे। अच्छा दीदी लोग भी बोल रहे हैं, हाँ तो चलो ये एक लोगों के साथ खेलेंगे। अभी हम लोग बहुत मेहनत की, मैं लेट भी हो गया, तो जब बोलोगे कल कर, कल करो, कल कर लो, परसों कर लो, लाइट तो जली रही है, क्या दिक्कत है।
चलिए आइए पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसका इसको भी प्लान करते हैं जी कि मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंचा हूं, कितनी देर पहले भाई मैं इमाम से माफी चाहता हूं सबसे ज्यादा, बहुत मेहनत की पूरी टीम ने और मुझे आने में देर हो गई। अब आप समझ सकते हैं आचार संहिता लगी है, इलेक्शन चालू हो गए तो उसके कारण कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण देर हो गई भाई, माफी छोटे भाई और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत मेहनती है और मैं क्या बोलूं, अब जो मुख्य है जो मिस्टर बना था मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजक रहे इमाम खान की प्रशंसा की। भिलाई सुपर लीग के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा इमाम जी को और सारी टीम को, युवाओं ने मिलकर खेल को प्रोत्साहन करने के लिए इस मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, भिलाई और दुर्ग जिले की बहुत सारी टीम्स आई, निश्चित रूप से एक्टिविटी होती है तो यंग जनरेशन जो है उसको भी देखने मिलता है, छोटे बच्चों को भी देखने मिलता है और अनुभव करने मिलता है, खेल और सारी चीज़ें जीवन का अनुभव है जिसमें जीत और हार को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करके आने वाले समय के लिए तैयार होना यही सबसे बड़ी बात है, तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं दूंगा, बहुत अच्छा आयोजन। मैं देखिए ऐसा है कि मैं भिलाई की पूरे ही जनता का मैं जितना कहूँ उतना कम है, सब परिवार जैसा मानते हैं और हम लोगों के बीच में एक रिश्ते हैं, अपनापन है और जैसे ये मैदान है, मैदान बना मुझे बेहद खुशी है, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब यहाँ पर हम लोग जो हमारे बड़े हैं सीनियर्स हैं मतलब अबव 40 का टूर्नामेंट यहाँ पे कराएंगे हम लोग, तब खूब मज़ा आएगा जब जो हमारे सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर खेलेंगे, इसका लाभ लेंगे और निश्चित रूप से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसको बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को उसका लाभ मिलता है, अंधेरा ख़त्म होता है और भिलाई में हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं, खूब सारे करने हैं। और बहरहाल सभी टीमों ने इस लीग में काफ़ी उत्साह होकर खेल खेला, इस दौरान ग्राउंड में दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। शहर के लोगों की आस्था के केंद्र सुपेला के शीतला तालाब को नगर निगम प्रशासन ने उपेक्षित छोड़ दिया है। महीनों पूर्व शुरू हुआ तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। वार्ड 16 सुपेला स्थित शीतला तालाब में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। सुपेला शीतला मंदिर से लगे इस तालाब का निर्माण वर्षों पूर्व किया गया था। शीतला तालाब की गिनती शहर के वर्षों पुराने तालाबों में की जाती है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर नगर निगम प्रशासन द्वारा इसके सौंदर्यीकरण कार्य की शुरुआत की गई थी जो महीनों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान तालाब का गहरीकरण भी किया गया था। इस दौरान अनेकों ट्रक मुरुम का उत्खनन भी तालाब से हुआ था। तालाब से निकले मुरम को कौन कहां ले गया अब तक इसका भी खुलासा नहीं किया जा सका है। शीतला तालाब में सौंदर्यीकरण करने के नाम पर कुछ कार्यों को पूरा कर इसे छोड़ दिया गया है। वर्तमान में शीतला तालाब जल कुंभियों से अटा हुआ है, इसमें भरा पानी पूरी तरह से गंदा होकर हरा हो गया है। तालाब में आसपास की महिलाएं पुरुष निस्तारी का कार्य करते हैं जिससे उनमें जल जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। नवरात्रि पर्व शुरू होने को है, इस दौरान तालाब परिसर में भक्तों द्वारा अनेकों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे, लेकिन तालाब में फैली गंदगी और कचरे को देखकर त्योहारों के पूर्व इसकी सफाई करने को लेकर संदेह बना हुआ है। इसके सौंदर्यीकरण कार्य को बीच में ही क्यों रोक दिया गया इसका खुलासा भी नहीं किया जा सका है। तालाब की वर्तमान अवस्था को देखकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है, लेकिन उनकी सुनने और समझने को कोई तैयार नहीं है। मजबूरी वश लोग शीतला तालाब का उपयोग कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल्स, जिसमें
6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स, साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवाली। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के गया नगर में वार्डवासियों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया, कलेक्ट्रेट पहुंचकर रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के शिवनगर शेषनाग मंदिर के पास दुर्गा केसरबाई साहू के मकान पर एयरटेल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर मोबाइल टावर का स्थानीय वार्डवासियों ने विरोध जताया। इसे लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में वार्डवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित प्रार्थी की बहू ने मोबाइल कंपनी के लोगों द्वारा जबरदस्ती मोबाइल टावर लगाने का प्रयास करने के साथ घर वालों के साथ वार्डवासियों को धमकाने की शिकायत दर्ज की। गौरतलब है कि कंपनी कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा विधिवत परमिशन दिया गया है, लेकिन मकान मालिक के परिवार और मोहल्ले वासियों की आपत्ति के बाद केसरबाई साहू मकान में लगाए जा रहे मोबाइल टावर व परमिशन तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में वार्ड के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। क्रमांक 4 शिवनगर में एक केसरबाई साहू नाम के जो मकान मालकिन है, उनके यहाँ पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने पूर्व में आपत्ति दर्ज कराए थे कि एयरटेल कंपनी का टावर लगना है उसमें। आपत्ति के बाद कंपनी ने वहाँ पर काम रोक दिया था, 10 दिन पहले की बात थी। और आज अचानक एक दर्जन लोगों के साथ कंपनी के कर्मचारी आए और तरह-तरह काम शुरू कर दिया, जिससे मोहल्लेवासी आपत्ति किए। पर कोई कर्मचारी इनसे विवाद करने लग गया और विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद करते करते हाथापाई की स्थिति बन गई थी। मुझे जानकारी हुई, मैं आया, मोहल्लेवासी को भी समझाया, उनको भी समझाया और पुलिस फोर्स भी आ गया। इस तरह से विवाद है और विवाद कहीं ज़्यादा उग्र ना हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। और घर के जो सदस्य हैं जिनके यहाँ टावर लग रहे हैं, वो भी मोहल्लेवासी के साथ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मुझे लगता है अगर जब मोहल्लेवासी विरोध में है तो टावर का जो अनुमति दिया गया है कलेक्टर महोदय को निरस्त करना चाहिए। राजू नगर वार्ड से बोल रहे हूँ, वार्ड नंबर 4 से। टावर लगाने वाले हमारे पड़ोस में आए थे और धमकी दे रहे थे कि TI को बुलाएंगे, कलेक्टर को बुलाएंगे, ऐसे करके। और हम मोहल्ले वाले लगाना नहीं चाहते हैं, मोहल्ले वाले लगाना नहीं चाहते टावर। ऑलरेडी एक टावर वहाँ पर लग चुका है पहले से। मैं राजकुमार साहू गया नगर वार्ड नंबर 4 में रहने वाला हूँ, पड़ोसी हूँ। मेरे को इससे मतलब एयरटेल आप लगाने वाले से विरोध है, तो मैं बोलने के लिए गया हूँ कि भैया अच्छा नहीं लगाना है आपको करके। तो मेरे को धमकी दे रहे थे कि मैं कलेक्टर से ऑर्डर लिया हूँ, पुलिस वाले धमकी, पुलिस वाले बुला लूँ, TI को बुलाऊँगा, DI को बुलाऊँगा करके धमकी दे रहे थे मेरे को। हूँ वार्ड नंबर 4 से आई हूँ, गया नगर राजू नगर से। इसके मेरे घर टावर लग रहा है, हमको पता नहीं था, इसी का हम धोखे से लगा चुके हैं। अब इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मोहल्ले वाले, तो मोहल्ले वाले के साथ हैं हम। और टावर वाले आके हमारे घर 8-10 जन हमारे घर में ढाबी बोले हैं, यानी हाई हो गए हम लोग के ऊपर, धमकी दे रहे हैं। तो इसलिए हम कलेक्टर के पास आके अपना कंप्लेंट दिखा रहे हैं। यानी वो बोल रहे हैं हमको हमारे घर से, यानी हमको धमकी दे रहे हैं वो 20 लाख का, कि तुमको 20 लाख रुपया पटाना पड़ेगा, हमारा जो खर्चा हुआ उसको देना पड़ेगा, बोल रहे हैं वो। ग्रैनी CN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर में नवरात्र पर माता दुर्गा की स्थापना की जाएगी, इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। कलकत्ता से आए कारीगरों के द्वारा विशाल पंडाल का स्वरूप यहां पर तैयार किया जा रहा है। आगामी 15 तारीख से शारदीय नवरात्र पर्व पूरे देश प्रदेश व जिलों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बता दें हर साल की तर्ज पर इस साल भी शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा की स्थापना के साथ विभिन्न आयोजन आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में किए जाएंगे। आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में समिति द्वारा विशाल पंडाल की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कलकत्ता से आए कारीगरों के द्वारा पंडाल का भव्य रूप थीम अयोध्या की राम मंदिर पर किया जा रहा है। पूरे 10 दिनों तक यहां माता रानी की पूजा अर्चना के साथ भोग भंडारे का आयोजन आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा किया जाएगा, ये जानकारी हमें आयोजकों ने दी है। आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के इस बार तत्वाधान में यहाँ राम अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके थीम में हम लोग पंडाल बना रहे हैं। और दुर्ग भिलाई का 3रा बड़ा पंडाल और सुपेला थाना क्षेत्र का सबसे बड़ा और भव्य पंडाल हम लोग यहाँ पूरे शहरवासियों के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है पूरे शहरवासियों से कि एक बार अवश्य आकाश गंगा आएँ। इस बार अयोध्या जो राम मंदिर जो मोदी जी जिसका उद्घाटन जनवरी में करने वाले हैं, उसी थीम पर हम लोग ने इस बार अयोध्या का राम मंदिर थीम पर पंडाल बना रहे हैं। इस बार दुर्गा उत्सव प्रसंग पर नवरात्रि में इस वर्ष हम लोगों ने यहाँ पर भव्य तरीके से इस पंडाल का एक निर्माण करके एक अच्छा एक झांकी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जैसे अभी पीयूष भैया ने बताया कि हम लोग अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है उस परिप्रेक्ष्य में एक हम लोग
पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। भंडारे अगर रहेंगे देवी माँ का पूजन होगा और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर और विभिन्न जो भी आयाम पूजाएं होती है यहाँ पे वो सारे कार्य संपन्न होंगे। बड़ी मात्रा में हमें उम्मीद है कि दर्शक वर्ग भी यहाँ पर पहुंचकर इसका आनंद उठाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे आकाशगंगा पे बना रहे और सभी शहरवासियों से विशेष अनुरोध है कि यहाँ आके एक बार अयोध्या पंडाल का दर्शन अवश्य करें और जो भंडारा हमने विशेष रूप से इस बार थोड़ा डिफरेंट रखा है उसमें भी आके माँ दुर्गा का आशीर्वाद और प्रसाद जरूर लें। आपसी भाईचारे व मेलजोल से व्यवसायिक परिसर में भव्यता के साथ हर साल नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस साल भी हजारों श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग से रायपुर सर्विस रोड का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कुम्हारी के बाद डबरा पारा पावर हाउस चंद्रा मौर्या सर्विस रोड का कार्य किया जाएगा। पूर्व में कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य आरंभ किया गया था, जिसमें रायपुर से दुर्ग मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत 11 अक्टूबर की रात से दुर्ग से रायपुर सर्विस रोड एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जो 2 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान सर्विस रोड में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दुर्ग से रायपुर एवं रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहन चालकों से यातायात पुलिस ने अपील की है कि जाम से बचने वैकल्पिक मार्ग सिरसा गेट से मोतीपुर अमलेश्वर से रायपुर उतई फुंडा अमलेश्वर मार्ग का प्रयोग करें। इस प्रकार रायपुर से आने वाले वाहन चालक सर्विस रोड से और दुर्ग से रायपुर जाने वाले वाहन चालक ओवरब्रिज मार्ग का प्रयोग करें। निर्माण कार्य के दौरान डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने निर्माण कंपनी को सेफ्टी उपकरणों का प्रयोग करने, वाहन डाइवर्ट करने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करने, रात्रि के समय उचित प्रकाश व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही आम नागरिकों से अपील भी की वे सावधानी पूर्वक अपने वाहनों का परिचालन करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।